नमस्कार, एसके न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में, सिम कार्ड का एक कोना क्यों कटा होता है। आज देश दुनिया में मोबाइल यूज करने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वैसे आज के समय में जहां एक तरफ मोबाइल से पूरी दुनिया कनेक्ट हो गई है, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं मोबाइल से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान भी पहुँच रहा है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जिसमें एक अच्छा तो दूसरा बुरा होता है। मोबाइल में सिम लगाते वक्त आपके मन में सवाल जरूर आता होगा। जी हाँ, आपने कई बार जानने की कोशिश की होगी कि सिम का एक कोना क्यों कटा होता है, इसके पीछे का क्या वजह है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ, हर न्यूज सबसे पहले पाओ। जब शुरुआत में मोबाइल का आविष्कार हुआ था तो उस समय सिम का प्रयोग एक चिप तरह होता था, यानी सिम को मोबाइल से नहीं निकाला जा सकता था। साल 1991 में जब यूरोपियन टेलीकॉम कम्युनिकेशन ने अपना पहला फोन पेश किया, तब उसमें सिम कार्ड एक चिप के रूप में प्रयोग होता था। आपको पता ही होगा कि भारतीय रिलायंस कंपनी ने भी अपने शुरुआती दिनों में सिम वाले मोबाइल पेश किए थे, जिसमें सिम को नहीं निकाला जा सकता था। रिलायंस के एरिम वाले मोबाइल उस समय काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, उसके साथ साथ मोबाइल और सिम में भी कई ज़रूरतें के हिसाब से कई परिवर्तन भी किए गए। शुरुआत में हम रिम वाले मोबाइल यूज करते थे, लेकिन अब हम टच स्क्रीन मोबाइल का यूज करते हैं, जिसमें हम सिम को निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। जब शुरुआती समय में ज़रूरत को देखते हुए मोबाइल से सिम को अलग किया, तो उस समय सिम का आकार चारों तरफ से एक जैसा हुआ करता था, लेकिन सिम के एक समान आकार की वजह से कई परेशानियां भी आने लगी थी। जैसे समान आकार की सिम में ये पता नहीं लग पा रहा था कि सिम सही स्थिति में लगा है या नहीं। इसके अलावा कई बार सिम के उल्टे लग जाने की भी समस्या सामने आ रही थी। तो इन्हीं सब समस्या को देखते हुए सिम कंपनियों ने सिम के नए डिजाइन तैयार किए, जिसमें आज का सिम भी शामिल था। तो आज हम जिस सिम को यूज करते हैं, उसमें सिम का एक कोना कटा हुआ होता है। इसके डिजाइन ने कई समस्या का हल कर दिया। सिम के एक कोने के कटे होने से हम सिम को सही स्थिति पर कम समय में लगा सकते हैं। सिम के उल्टे लगने की समस्या को खत्म करने के लिए ही टेलीकॉम इंडस्ट्री ने सिम के एक कोने को काट दिया था, जो आज तक जारी है। तो अब आप जान गए होंगे कि सिम कार्ड का एक कोना क्यों कटा होता है। हालांकि पहले ही तुलना में अब सिम का साइज काफ़ी छोटा हो गया है, जिन्हें हम माइक्रो सिम भी कहते हैं। आज के ज़्यादातर 4G मोबाइल में माइक्रो सिम का ही उपयोग होता है। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।